नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, सभी को सावन महीना की शुभकामनाएं इन एडवांस। भगवान करे इस सावन महीने में आप जबरदस्त पूजाएं करें, रोज भगवान शिव के दर्शन करें और तमाम उपाय करें जो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अगर वो तमाम उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने कर लिया, जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, वो लोग जो अभी पाइराइट ऑर्डर कर रहे हैं, आप लिख लो दोस्तों, जो जो लोग पाइराइट ऑर्डर कर रहे हैं, गरीबी उनके घर से जाएगी और जाएगी। जिनको पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा तकलीफ है दोस्तों, सभी को मैं इस चीज के लिए प्रेशर करूंगी, आप पाइराइट स्टोन जरूर मंगाएं। पाइराइट स्टोन गरीबी को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है। जो भी पाइराइट स्टोन मंगा रहा है हमारे यहाँ से, वो अभिमंत्रित ही मंगाए, ताकि आपके घर में आते के साथ ये अपना काम करना शुरू कर दे। अगर आप स्टोन मंगाते हैं तो 6353730678 नंबर को ही डायल करें। कोई भी व्यक्ति की नेगेटिविटी से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है, भूत पिशाच, जिन घर में एक्सीडेंट है, कलेश है, बीमारी है, टूमलाइन ऑर्डर करें। हमारे यहाँ से जो टूमलाइन आ रहा है अभी मंत्रित ही आ रहा है, करंट आ रहा है, सिर्फ ला करके रखने की जरूरत है। पाइराइट मंगाए या टूमलाइन मंगाए, मंगाए आप रो में, रो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसकी उसका प्रमाण ज़्यादा आता है। फिर आपको अगर नहीं सूट करता है तो आप अंगूठी भी मंगा सकते हैं, ब्रेसलेट भी मंगा सकते हैं, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डाल दिया जाता है, इफेक्ट तो भी होता है, लेकिन वही चीज़ अगर बड़े प्रमाण में आपके पास होगी तो उसका इफेक्ट अलग होता है। दूसरी बात, ये जो सावन महीना इस बार आ रहा है ये 58 दिन चलने वाला है, तकरीबन 2 महीना, 4 जुलाई से 31 अगस्त तक है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक बीच में अधिक मास लग रहा है, जिसमें आप भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। 8 तो इसमें सोमवार आ रहे हैं, तरह तरह के उपाय करने के लिए दोस्तों इस बार आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हाँ, आपको ये जानकारी दे दूं दोस्तों, इस सावन पर हमारे यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग अभिमंत्रित होंगे 1.25 लाख मंत्रों से, और शिव शक्ति स्टोन भी 1.25 लाख मंत्रों से ही अभिमंत्रित किए जाएंगे। जो इन्हें मंगाना चाहते हैं वे अभी से अपना ऑर्डर बुक करवा दें। ये वो चीज है जो पूरे परिवार के हर तरीके से उन्नति करती है। शादी ब्याह का मामला हो, घर में कलेश हो, दाम्पत्य जीवन में कोई तकलीफ हो, हर चीज में ये अपना काम जबरदस्त करके दिखाती है। हाँ, जिनके घर के घर नहीं हो रहे हैं, ये उपाय वो लोग करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। अच्छा लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। सावन महीने के हर मंगलवार आपको इसको करना है। हर मंगलवार ना कर पाए तो आप एक मंगलवार, 3 मंगलवार या 5 मंगलवार इस उपाय को जरूर करना। क्या है आपको, सावन महीने के मंगलवार को स्नान करके लाल कलर के कपड़े पहने हैं। एक पात्र में, तांबे के पात्र में 9 पत्ते रखने हैं बेल पत्र के, जो कहीं से कटे पटे ना हो, मुरझाए हुए ना हो, बिल्कुल ताजे फ्रेश 9 पत्ते बराबर बेल पत्र के। एक लोटे में जल लेना है, उसमें गंगा जल डाल देना है और थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डाल देना है, जरा सा उसमें गुड़ मिला लेना है, गुड़ मंगल से जुड़ा हुआ। घी का दिया अगरबत्ती ले लें, शिवालय में जाकर के भगवान शिव के आगे घी का दिया अगरबत्ती लगाएं। एक एक बिली पत्र आपको उठाना है, ओम अम अंगारकाय नमः, ये है मंगल देव का मंत्र। घर मकान आपके तब नहीं होते हैं जब आपके मंगल कमजोर होते हैं। मंगल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, मंगल देव की माता पृथ्वी माता है। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, पृथ्वी में गुड़ दबा दें गड्ढा करके, मंगल देव प्रसन्न होते हैं। मंगल देव गुड़ से जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारी चीजों से जुड़े हैं, लेकिन हम जो उपाय करने जा रहे हैं आज वो गुड़ से कर रहे हैं इसलिए बता रही हूँ।
ओम अम अंगार काय नमः, ये मंत्र मंगल काय 9 बार बोलना है और एक बिली पत्र उठाना है, शिवलिंग के ऊपर रख देना है चिकनी साइड की तरफ से, और थोड़ा सा जल जो जिसमें गुड़ और गंगा जल मिला है कच्चा दूध, थोड़ा सा जल चढ़ा दे। ओम अम अंगार काय नमः 9 बार बोलना है, एक बेलपत्र चढ़ाना है और जो जल लेकर गए हैं वो चढ़ाना है। ये आपको 9 बार करना है, 9 पत्ते आपको चढ़ाना है। 9 का जो अंक है ये मंगल का अंक है, ये मंत्र मंगल का है। जब आप ये पूजा कर ले तो पृथ्वी माता को प्रणाम करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 91 बार बोल दें। आप देखेंगे आपके मकान दुकान शोरूम बनने के बीज पड़ जाएंगे। करके देखिए, बहुत बढ़िया उपाय है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।